नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें हम आज के दिन की तैयारी करते हैं। 20 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे इस शो में, जो इंट्राडे में ही आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त रिटर्न दिलाएंगे। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज ग्लोबल मार्केट्स उतने एक्साइटिंग तो नहीं लग रहे हैं, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, प्रॉफिट बुकिंग आई तो निचले स्तरों से कुछ स्टॉक्स तो होंगे जहां पर हलचल रह सकती है। हो सकता है बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जैसा एसजी निफ्टी इंडिकेट कर भी रहा है। फिलहाल भी अगर आप देखें करीब 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में एक्शन इतना ज़्यादा रहेगा, न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है कि कुछ ऐसी चुनिंदा पॉकेट्स हैं, 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसका नतीजा आया था, उनमें हो सकता है कि आज जान आती हुई दिखी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है, तो उसी पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। आज एशिया में अगर आप देखें तो 3-4 मार्केट्स बंद है, चाइना एक हफ्ते के बाद खुला है, तो कोई साफ क्लियर इंडिकेशंस एशियन मार्केट से देखने को मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो डोमेस्टिक मार्केट से क्यूज़ हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है आज के लिए। चलिए, डोमेस्टिक मार्केट्स के क्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और जीएसटी दरों का घटना हो सकता है एक बूस्टर डोज प्रोवाइड कर दे मार्केट्स को भी। लोअर लेवल्स पे अगर मार्केट्स आज आई तो कुछ काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ट्रेडर्स की रहेगी। एशियन मार्केट्स काफी मिक्स हैं और जैसे संदीप बता रहे थे एसजेक्स निफ्टी 40 से 45 पॉइंट से गोता लगा चुका है शुरुआती सत्र में ही। लेकिन फटाफट से रीकैप देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो आपको पिछले सत्र में बाजार खुलने से पहले बताए गए थे। पोजिशनल आप एवरेज कांटो पे अगर बनाते तो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न देता है ये स्टॉक। 40 का टारगेट था, इसने अपने लक्ष्य को हासिल किया और क्लोजिंग बेसिस पे 4% की कमाई इस स्टॉक पे होती हुई नजर आई, 39-40 के लेवल की क्लोजिंग। इसके अलावा एक और स्टॉक था जिसमें टारगेट हिट हुआ, वो था उज्जीवन फाइनेंस, लोअर लेवल से खरीदारी, यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ, 335 के नज़दीक ही बंद होता हुआ नजर आया ये स्टॉक। और फाइनेंशियल स्टॉक्स NBFC पॉकेट, ये कुछ स्टॉक्स थे जो हरकत में आते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा एक और स्टॉक था SRF, लोअर लेवल्स पे खरीदारी थी और आज तो खबर भी है यहाँ पर यार कंपनियों पे जो जीएसटी दरें घटी हैं उसमें एक बूस्टर डोज इस कंपनियों पे आता हुआ नजर आएगा। 1580 का टारगेट था, ये अपने टारगेट्स के आसपास ही बंद होता हुआ नजर आया, मूव पॉजिटिव था, डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ स्टॉक है ये। इसके अलावा मंगलम टिम्बर कमाई हुई 12% की और इंट्राडे में तो 12% से भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आया था ये स्टॉक, टारगेट को ओवरशूट कर गया, टारगेट छोटा पड़ गया, 35-20 का यहाँ पर क्लोजिंग लेवल मंगलम टिम्बर पे। तो जीएसटी से जो भी रिलेटेड सेक्टर्स थे वहां पर हलचल थी, जैसे कि प्लाईबोर्ड, टेक्सटाइल्स, ये फ्लेवर में थे। शिल्पा मेडिकल ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, 600 का टारगेट था, क्लोजिंग है 629 की, पॉजिटिव अप्रोच किया होता तो कमाई शानदार होती, 8% का रिटर्न क्लोजिंग बेस पे। सूची बहुत लंबी है, इंट्राडे में कई टारगेट्स हासिल किए हैं, डिशमिन एक और स्टॉक जहां पर टारगेट हिट हुआ, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स आज भी रडार पर रहेंगे जहां पर तेजी बनाने की सलाह रहेगी, तो आप तेजी के साथ ही जाएंगे शुरुआती सत्र में। इनफैक्ट रजत, अगर आप उस दिन के रिटर्न्स की बात कर रहे थे उसमें बासेफ एक और स्टॉक था जिसमें 14-15% के आसपास का आप मूव इंट्राडे बेसिस में ही देखने को मिला था। आज की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा रहेगा, 4-5 पॉकेट्स ऐसे ही हैं पूरे मार्केट में जो कि जीएसटी को लेकर जो खबरें आई हैं, जो दरें कम हुई हैं, जो बूस्टर डोज की बात आप कर रहे हैं उनमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। और उससे सबसे पहला नाम जो है वो है ज्वेलरी सेक्टर का। इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है कि आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले। तारा ज्वेल्स एक स्टॉक है जिसके साथ मैं आज शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, जो KYC के नॉर्म्स हैं उनको ईज़ किया गया है, बड़ी राहत दी गई है सरकार की ओर से। अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो पहले अगर आपको 50,000 से ज़्यादा ही खरीद करनी थी तो आपको पैन कार्ड देना होता था, अब 50,000 से लेके 2,00,000 के बीच में कोई भी आपको जो पैन कार्ड देने की जो नियम है वो सरकार की ओर से अब उसके लिए ढील दे दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दिवाली से पहले एक पूरे ज्वेलरी सेक्टर को एक बूस्टर डोज देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है और ये जो फैसला आया जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो हो सकता है कि बहुत राहत देने वाली बात है। आज मुझे लगता है कि पूरा ज्वेलरी स्पेस बस करता हुआ देखेगा। तारा ज्वेल्स में आज के लिए 29-30 का टारगेट प्राइस होगा, 28-20 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा TBZ एक और ऐसा नाम है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, इन्हीं खबरों के दम पे ही आज हो सकता है 127 रुपये के आसपास तक की चाल बनती हुई दिखे, 120 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा टाइटन, लिप्सा जेम्स, PC ज्वेलर्स, थंगामेल ज्वेलरी आगे हो सकता है कि आज आप जो कमाई के मौके हैं इन काउंटर्स में ढूंढ सकते हैं। चलिए, तो मैंने भी ज्वेलरी स्टॉक ही चुन लिया अपने पोर्टफोलियो में जिसमें गीतांजलि हो सकता है आज मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर जाए, पूरा ही स्पेस बस करता हुआ नजर आएगा। एक तो PMLA से बाहर रखा गया सेक्टर को, ऊपर से जो ज्वेलरी में खरीदारी की लिमिट जिसमें पैन कार्ड नहीं देने पड़ेगा उसको बढ़ा दिया है, वो एक बूस्टर डोज काम कर सकता है पूरे सेक्टर के लिए। गीतांजलि, TBZ, थंगामाइल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आज अच्छी तेजी पकड़ सकते हैं और टाइटन जो कि डेरिवेटिव मार्केट कैसे वहां पर भी तेजी बन सकती है। लेकिन गीतांजलि अगर पोर्टफोलियो में आज शामिल करते हैं तो 75 तक के टारगेट्स अपने रडार पर रखें और 69 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर आज न्यूज फ्लो के आधार पर हो सकता है बनता हुआ नजर आए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो कीजिए। दूसरा एक स्टॉक है TGV बैंकेट्स, लोअर लेवल से खरीदारी हो सकती है। वैसे रेस्टोरेंट से जुड़ी जो कंपनियां हैं
वहां पर लोअर लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है और काफी समय बाद टीजीबी बैंकेट्स लगभग 5% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। निचले स्तरों से अगर ये पुलबैक सस्टेन कर गया तो यहां पर तेजी इसको और बेहतर लेवल्स तक ले जा सकते हैं। आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। आज के लिए 60 तक का लक्ष्य जो है वो टीजीबी बैंकेट्स पे आपको लगाकर चलना है और जो स्टॉप लॉस होगा पिछली क्लोजिंग के आधार पर वो 54.5 के आसपास आपको लगाकर चलना होगा। चलिए, जीएसटी काउंसिल की ओर से जो राहत आई उसका तो इम्पैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जेपी ग्रुप पे नजर रखिए और साथ ही साथ जेपी एसोसिएट्स। ये एक ऐसा स्टॉक है, फ्राइडे को काफी एक्टिव था, करीब 4% के आसपास का आप मूवीज काउंटर में देखने को मिला था और दरअसल शनिवार को इनके बोर्ड की एक बैठक होने वाली थी जिसमें कुछ कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर फैसला आने वाला था और इनके जो जॉइंट लेंडर्स फोरम है उन्होंने दरअसल इनकी जो कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग है उसको अब मंजूरी दे दी है। कुछ चुनिंदा एसेट्स और उसके साथ साथ जो इनकी देनदारी है, कुछ लाइबिलिटीज हैं, उनको एक अलग जो एसपीवी है उसमें ट्रांसफर करने को भी मंजूरी दी गई है। तो इसी एंटिसिपेशन में हमने देखा था शुक्रवार को भी काफ़ी अच्छे गेंस इस काउंटर में बनते हुए दिखे थे और जो कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिली है ये हो सकता है कि आज फिर से इस काउंटर में नई जान फूकते हुए दिखे। वैसे भी हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन इस काउंटर में हो चुका है, लोअर लेवल से फिर से अब जो एक बाइंग इंटरेस्ट इस काउंटर में बन रहा है वो लगता है कि जो फ्राइडे को बाइंग इंटरेस्ट बना था आज सस्टेन किया तो 20.80 रुपये तक जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 19.60 रुपये का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी की पोजीशन बना के चल सकते हैं जेपी एसोसिएट्स में भी। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर, इनफैक्ट रजत ने आपको फ्राइडे को भी काउंटर बताया था, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बेसिस पे अगर आप देखें इस काउंटर में काफी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। हो सकता है कि जो फ्राइडे को तेजी बनी है वो आज फिर से सस्टेन करती हुई दिखे क्योंकि फ्राइडे को तो रिपोर्ट के बेसिस पे चला था लेकिन आज यहाँ पे खबर है कि इनको एक क्लीन चिट मिली है, EIR मिला है इनकी तेलंगाना इकाई के लिए USFDA की ओर से। 24 से 28 जुलाई के दौरान इस प्लांट की जांच हुई थी जिसके लिए EIR यानी कि जो क्लीन चिट है वो USFDA की ओर से मिला है। तो हो सकता है फ्राइडे का मूव अगर सस्टेन किया तो आज 640 तक की जो चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 620 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए, अगला शेयर जो होगा वो होगा बल्लारपुर इंडस्ट्रीज का। बीते सत्र में लोअर लेवल से खरीदारी इस स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिल रही थी और अपने दिन के उच्चतम स्तर पर बल्लारपुर बिल्ट जो है वो बंद होता हुआ नजर आया। पेपर वेस्ट पर जीएसटी दर को घटाया गया है, ये एक और पॉजिटिव खबर है पूरी ही पेपर इंडस्ट्री के लिए और हो सकता है कि आज पेपर स्टॉक्स फिर से अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे मार्केट पे। पिछले सत्र में देखिए तेजी 10% ऊपर लगी इस स्टॉक को लेकिन आज चला तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा 14। आप इसको 14 रुपये तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं और 12.75 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। ग्रीव्स कॉटन, इसको अपने रडार पर रखें। देखिए वैसी तेजी इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है लेकिन अब तो यहां पर खबर यह आ गई कि डीजल इंजन का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए एक बूस्टर डोज प्रोवाइड किया गया है और यहां पर भी जीएसटी दरों को घटा दिया गया है 28% से घटाकर 18%। तो जो भी कंपनी डीजल इंजन पार्ट्स या फिर डीजल इंजन के मैन्युफैक्चरिंग कारोबार पे होगी वहां पर आज पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। 138 से 140 ये आज के दिन ग्रीव्स कॉटन का टारगेट रहेगा। 132 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आमतौर पर स्लो मूवर होता है यह स्टॉक तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और टारगेट्स 138 से 140 तक के रख सकते हैं। चलिए, तो बुलिश सेंटीमेंट है, अभी तक आपको 8 स्टॉक बताए गए हैं, सभी ट्रेड्स खरीदारी की ओर ही हैं। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। HCL इन्फो होगा आज का मेरा ईपीएस शेयर जिसमें हो सकता है कि आज जो अपमूव है वो सस्टेन करता हो दिखे। देखिए, जो जीएसटी को लेकर जो बातचीत हो रही है, जो एक सरकार की ओर से बूस्टर डोज दिया गया है उससे जाहिर सी बात है जो फेस्टिव डिमांड है उसको ध्यान में रखते ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहां पे फेस्टिव डिमांड आती है उनके लिए कुछ राहत की बात दी गई है। तो ऐसी कंपनियां जो भी फेस्टिव डिमांड से जुड़ी हुई हैं उनमें हो सकता है कि आज जो अपमूव है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिले। इनफैक्ट फ्राइडे को भी ये काउंटर अच्छे खासे गेंस लेके बंद हुआ था। हमने इससे पहले नवरात्रि और दशहरा की सेल्स की तो बात करी थी, उसमें हमने देखा था कि जो FMCG प्रोडक्ट्स की बिक्री उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस कंपनी के हाल फिलहाल एक पीयर ग्रुप कंपनी है डिक्सन टेक जिसका IPO आया था वो 117 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था और बम्पर लिस्टिंग उस कंपनी की देखने को मिली थी। वैसे भी एप्पल के साथ हाल फिलहाल उन्होंने करार किया है और आईफोन को लेकर जो डिमांड है वो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करार हुआ है उससे हो सकता है कि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें अच्छा खासा बढ़त देखने को मिले। अगर आप इनके Q1 के नंबर्स देखें तो उसमें जो लॉसेस हैं उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला था और हो सकता है कि जो एप्पल के साथ इनका करार हुआ है जिसमें इनको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर राइट्स मिले हैं हो सकता है कि ये इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो और जो घाटा सिग्निफिकेंटली घटा था Q1 में हो सकता है कि अब ये कंपनी Q2 में टर्न डाउन करती हुई दिखी या तो फिर Q3 में ही घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी। तो इसी को बाजार कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश कर रहा है हायर लेवल से। हालांकि जो बाजार में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई थी ये काउंटर करेक्ट हुआ भी है, अपना जो 52 वीक हाई है वहां से करीब 20% के आसपास की जो गोता है ऑलरेडी काउंटर दिखा चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए एक तो फेस्टिव डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन ऊपर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं और जिस तरह से एप्पल के साथ इन्होंने करार किया है टर्न डाउन की जो उम्मीद है वो इस काउंटर को ड्राइव करती हुई दिख रही है। तो 3 मेन ट्रिगर्स है जिस वजह से हो सकता है कि आज फिर से आप मूव सस्टेन करता हुआ दिखे।
55-50 तक की जो चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 50 रुपये का स्टॉप लॉस सेट करें, ऐसे इन्फो को आज खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और पिछले सत्र में लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स स्टॉक में देखने को मिले थे, आज का टारगेट है 55-50, स्टॉप लॉस 50। लेकिन टाइटन जैसे बार बार कहने की ज्वेलरी सेक्टर एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर ट्रेडर सबसे पहले पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है, अब 2 लाख की तक की ज्वेलरी पर पैन कार्ड नहीं देना होगा और ये एक बूस्टर डोज है, पहले लिमिट थी 50,000 की, तो एक पॉजिटिव खबर है। वैसे भी त्योहारी सीजन ऑन है और ज्वेलरी की मांग इस सीजन में काफी स्ट्रांग देखने को मिलती है। आज टाइटन एक और स्टॉक, यहां पर आप एग्रेसिव टारगेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। 590 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, जो पिछली क्लोजिंग के हिसाब से बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन 630 तक के टारगेट स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। और एक गैप अप ओपन हुआ तो उसके बाद अपनी पोजीशंस को आपको एडजस्ट करना होगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें। चलिए तो 10 स्टॉक्स आपके सामने रखे गए हैं, जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि कौन से शेयर आपको बताए गए थे। ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी बहुत बात हुई है, हो सकता है कि आज लाइमलाइट में रहे। पैन कार्ड के जो नियम आसान किए गए, KYC के नॉर्म्स 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए गए हैं, उससे ज्वेलरी सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तारा ज्वेल्स में आज 29.30, TBZ में आज 127 तक के लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। GP एसोसिएट्स की कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिली है, फ्राइडे की चाल सस्टेन करी तो 20.80 रुपए तक के टारगेट से काउंटर दिखा सकता है। शिल्पा मेडिकेयर फ्राइडे को भी स्ट्रांग था, आज एक तेलंगाना इकाई को EIR मिला है तो तेजी सस्टेन कर सकती है, 640 तक का मूव देखने को मिलेगा। और बतौर EPS मैंने HCL इन्फो को शामिल किया है, फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग है, वैल्यूशन काफी अच्छे हैं और एप्पल के साथ जो करार है उससे तो टर्नराउंड की उम्मीद बन रही है। 55-50 का टारगेट प्राइस आज के लिए, 50 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। गीतांजलि जेम्स पहला स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, आज का टारगेट है 75, स्टॉप लॉस 69 का आपको मेंटेन करके चलना है, रेस्टिव वॉट रेशियो फेवर में रहेगा। ज्वेलरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जहां पर शुरुआती सत्र में तेजी बन सकती है। TGV बैंकेट्स आज का टारगेट है 60, स्टॉप लॉस 54.5। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज बेल्ट में खरीदारी करते हैं तो 14 रुपए तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें, 12.75 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ग्रीव्स कॉटन डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़ी राहत GST के मोर्चर पर मिली है, आज 138 से 140 का टारगेट होगा, 132 का स्टॉप लॉस। और बतौर EPS शेयर आप शामिल करें आज के सत्र में टाइटन को अपने पोर्टफोलियो में, 630 का टारगेट, 590 का स्टॉक। अगला स्टॉक भी पोर्टफोलियो में खरीदारी के लिए ही होगा, वो होगा युकाल फ्यूल। देखिए पिछले सत्र में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहा था ये, लेकिन हो सकता है तेजी यहाँ पर और बढ़ जाए। खबर यहाँ पर यही कि डीजल इंजन पार्ट्स पर GST दरों को घटाया गया है, डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी खबर और जो भी पार्ट सप्लाई करती है उसके लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव खबर है। 28% से GST दर जो उसको घटाकर 18% कर दिया गया, तगड़ी तेजी में था पिछले सत्र में, आज 211 का लक्ष्य लेकर चले और स्टॉप लॉस आपको 201 का रखना होगा, 201 का स्टॉप लॉस है जो आपको फॉलो करना होगा, 201 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। इसके अलावा युकाल फ्यूल तो तेज हो सकता ही है, लेकिन साथ ही साथ KSB पंप्स एक और स्टॉक जहां पर आज आप तेजी जो है वो आप बना सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि पंप सेक्टर को भी एक बूस्टर डोज प्रोवाइड की गई है। एग्री सेक्टर को ध्यान में रखा गया है इस बार, अगर GST दरें कम यहां पर इस सेक्टर के लिए, पंप सेक्टर के लिए होता है तो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी खासतौर से असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन खबर यहां पर यह है कि GST दर को घटाकर 18% कर दिया गया है, जो कि पहले 28% थी। पंप मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक अच्छी खबर है, 5 दिनों से कंसोलिडेशन पे था, आज अगर तेजी आ गई तो काफी स्ट्रांगली कमाई इस पर्टिकुलर स्टॉक से देखने को मिल सकती है। चलिए रजत आपको एक अपडेट दे देते हैं कि शंघाई के मार्केट्स आज एक हफ्ते के बाद खुले हैं और 1% के आसपास ही गेंस वहां देखने को मिल रहे हैं। कैक्सिन सर्विसेज PMI आंकड़े आने का इंतजार बाजार कर रहा था और वो हो सकता है कि उसका इंपैक्ट आज चाइनीज मार्केट में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो इनफैक्ट अगर आप देखें तो शॉपर्स स्टॉप का है, जिसमें आज हो सकता है कि जो तेजी है वो बनती हुई दिखी। देखिए सरकार की पूरी कोशिश है कि जो फेस्टिव डिमांड है उसके दौरान कारोबारियों को या तो फिर जो डिमांड है उसको लेके कोई भी दिक्कत ना आए, तो जितनी भी रिटेल स्पेस की कंपनियां हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। तो शॉपर स्टॉप पे आप नजर रख के चलें, 1.5% के आसपास का आपको फ्राइडे को भी था, हाइपर सिटी इन्होंने ऑलरेडी बेचा है, लेकिन देखिए इनकी जो इंटेंट है वो एक बड़ा पॉजिटिव है जो कि स्टॉक के लिए काम कर रही है। हाइपर सिटी इनके लिए काफी बड़ी दिक्कत की बात थी, जहां से इनको लॉसेस आ रहे थे वो उन्होंने फ्यूचर रिटेल को बेच दिया, वहां से इनको रकम मिल रही है। और दूसरी बात देखिए, इनका जो ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट कारोबार है उसको भी इन्होंने 6 करोड़ रुपए में बेचा है। एक JV में ये कारोबार चल रहा था इनका स्विट्जरलैंड की कंपनी नुआंस ग्रुप के साथ, उस JV में अब जो 40% हिस्सा है वो 6 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में बेचा है। रकम छोटी है लेकिन देखिए कुल मिलाके इनका जो पूरा फोकस है अपने जितने भी ऐसे कारोबार जो कि इनके कारोबार को डेंट कर रहे हैं या तो फिर इनका काफी निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं उस पर पूरी तरह से एग्जिट करने का फोकस है। मुझे लगता है कि इस खबर को आज फिर से बाजार पसंद करेगा। शॉपर स्टॉप में आज के लिए 529 रुपए का टारगेट प्राइस, 509 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा सोबा लिमिटेड ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज हो सकता है कि तेजी बढ़ती हुई दिखे। देखिए Q1 के जब इनके प्री सेल्स के नंबर्स आए थे उससे एक इंडिकेशन लगा था कि रियल एस्टेट के ऊपर नोटबंदी का किस तरह का असर देखने को मिला है, बेहद शानदार वो नंबर्स आए थे। और इनफैक्ट अगर आप Q2 के प्री सेल्स के नंबर्स देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले भी काफी बेटर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट एक CLSA की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है 10 तिमाही में सबसे ज्यादा Q2 में जो प्री सेल्स के नंबर्स हैं वो देखने को मिले हैं, करीब 14% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट CLSA ये कह रहा है कि चैलेंजिंग एनवायरमेंट होने के बावजूद अगर
14% के आसपास की बढ़त आती है तो वो काफ़ी मजबूत मानी जाएगी। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में भी ये जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। CLSA मानता है कि 525 तक की 40 काउंटर में देखने को मिल सकती है और मैक्वेरी ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और 472 तक के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। तो हो सकता है कि जो Q2 के प्रीसेल्स के नंबर्स बेहद मजबूत आए हैं उस वजह से आज इस काउंटर में बड़ा आपको देखने को मिले। 410 रुपये का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 385 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तमिलनाडु पेट्रो होगा अगला शेयर जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब तक के उच्चतम स्तर के आसपास ये जो है कंपनी ये ट्रेड कर रही है और स्टॉक लगातार लोअर लेवल से कोई भी डिप आ रहा है तो ट्रेडर्स को यूज़ करना है खरीदारी करने के लिए। 5 सत्रों से वॉल्यूम में काफ़ी स्ट्रांगली इजाफा देखने को मिला है और जो पेट्रोकेमिकल स्पेस से जुड़ी जो कंपनी है यहां पर इससे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मोमेंटम कॉल हो गया, आज का टारगेट 78 का लेकर चल सकते हैं, 71 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ये तमिलनाडु पेट्रो है जिसमें आपको आज खरीदारी करने की सलाह दी गई है, एक अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। टीन पेट्रो की मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ कोकोयो कैम्बलिन एक और स्टॉक जहां पर लोअर लेवल से खरीदारी हो सकता है आज के सत्र में बने और बूस्टर डोज GST दरों का ही है। GST दर जो है वो 28% से घटाकर 18% की गई है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए और ये एक पॉजिटिव खबर है स्टेशनरी से जुड़ी कंपनियों के लिए। देखिए स्टेशनरी और साथ साथ एजुकेशन स्पेस दोनों ही इस खबर से काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं। आज के सत्र के लिए अगर कोकोयो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो 98 का टारगेट होगा और 89 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड के लिए लगाकर चलना है। इनफैक्ट इन्हीं खबरों के दम पे नवनीत पब्लिकेशंस, लिंक पेन जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें भी हो सकता है कि काफी अच्छा मूव आज के दिन में बनता हुआ दिखे। लेकिन एक स्पेस जिसको लेकर राहत आई नहीं है लेकिन सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है वो है रेस्टोरेंट स्पेस का। अगर आप स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात करें इसमें हो सकता है कि आज जो बड़ा अपमूव है वो बनता हुआ दिखे। 2.5% के आसपास के गेंस इसने फ्राइडे को भी दिखाए थे लेकिन अब सरकार इस पूरे स्पेस के लिए जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, 18% की जो GST की दर तय की गई थी उसको लेकर इस इंडस्ट्री ने सरकार को GST काउंसिल को ये लिखा है लगातार, इससे इनके कारोबार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट अब सरकार ने भी इस चीज़ को माना है और हो सकता है कि जो 18% की दर है उसे घटाकर 12% कर दिया जाए। इसको लेकर विचार ऑलरेडी जारी है, हो सकता है कि जब भी कमी की जाएगी GST की दर में वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए होगा, इस पूरे स्पेस के लिए होगा। लेकिन बाजार इसे पहले से ही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि आज फिर से इसी एंटीसिपेशन में कि GST की दर कम हो जाएगी इस काउंटर में भी और पूरे रेस्टोरेंट स्पेस में आज खरीदारी देखने को मिले। आज के लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में 118 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है, 112 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चलें। अगर आपको 118 के लेवल देखने को मिले तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपको रजत ने पहले बताया जो पंप स्पेस से जुड़ी कंपनीज हैं उनके लिए हो सकता है कि आज बड़ा अपमूव बनता हुआ दिखे। देखिए GST काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें कुछ इंजन पार्ट्स को लेकर तो ड्यूटी कम की गई है लेकिन उसके साथ साथ जो पंप्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनके लिए जो GST की दर है उसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और उसके साथ साथ जो ओवरऑल मानसून के आंकड़े आए हैं उसमें अगर आप देखें तो 5% कम रहा है सामान्य से मानसून, तो इससे भी जो पंप्स कंपनीज हैं जो पाइप्स कंपनीज हैं इनकी जो डिमांड है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। तो शक्ति पंप्स के लिए और पूरे पंप स्पेस के लिए आज दो मेन ट्रिगर्स हैं जिस वजह से आज हो सकता है आपको देखने को मिले। 500 रुपये के टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 482 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए लेकिन दो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में और कमाई करा सकते हैं, तगड़ी कमाई करा सकते हैं आज के सुपर हिट शेयर्स देखते हैं। बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में सांगे इंडस्ट्रीज को उतारा है। देखिए पिछले हफ्ते भी बताया गया था कि ये स्टॉक काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स दे सकते हैं, वैसे हुआ भी, स्ट्रांग मूव है। बीते सत्र में भी वॉल्यूम काफी स्ट्रांग देखने को मिले थे और उम्मीद यहाँ पर यह है कि Q2 जो नतीजे हैं वो काफी बेहतर रह सकते हैं, कंपनी के ऑल टाइम हाई के नजदीक है और सीमेंट के दाम जो हाल फिलहाल में बढ़े वो भी एक बूस्टर डोज प्रोवाइड करेगा आने वाली कुछ तिमाहियों में। लेकिन अगर आज के लिए ट्रेड करना हो तो 122 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं, 114 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मैनेजमेंट खुद यहां पर कमेंट्री है मैनेजमेंट की कि FY18 में डबल डिजिट ग्रोथ जो है रेवेन्यू फ्रंट पे वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, बॉटम लाइन पे भी असर आएगा। सागर इंडस्ट्रीज आज के लिए 122 का टारगेट, 114 का एक स्टॉप लॉस। एक छोटी फार्मा कंपनी है कोपरान, इस पे आज नजर रख के चले। इनफैक्ट फ्राइडे को स्टॉक काफी एक्टिव था, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ इसमें जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा था, औसत से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स इस काउंटर में देखने को मिले थे। लेकिन कुछ रीजन से मुझे पसंद है इस कंपनी को लेकर या इस पूरे स्पेस को लेकर, एक तो रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है ये पूरे स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। देखिए इनके जो नंबर्स आएंगे Q2 के और इनफैक्ट Q3 में उनमें हो सकता है कि जो पॉजिटिव रुझान है वो साफ तौर पर देखने को मिले। दूसरी और जो वैल्यूएशंस हैं वो बेहद अट्रैक्टिव है। देखिए फ्राइडे को करीब 10-11% के आसपास का अपमूव इसमें देखने को मिला था, छोटी कंपनी है महज 335 करोड़ रुपये के आसपास का मार्केट साइज है तो टिकट साइज भी छोटा है, इसलिए जो मूव
होता है वो काफी स्विफ्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए अपना जो 52 वीक हाई है इस कंपनी का, वहां से 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो एक रिसेशन प्रूफ सेक्टर है, बाजार में किस तरह की चाल भी देखने को मिले, इकोनॉमी में किस तरह की चाल देखने को मिले, लेकिन इस स्पेस में जो डिमांड है वो लगातार सस्टेन करती हुई दिखती है। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि रुपया वीक हुआ है उससे इनके जो नंबर्स हैं क्यू टू के वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट काफी कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि एक स्यूडो FMCG कंपनी भी है। FMCG कंपनी की डिमांड अगर आप देखें वो बेहद स्ट्रांग है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें कंपनी टूथपेस्ट कारोबार में भी उतरी थी, तो वहां पर भी अगर आप देखें डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इस पूरे स्पेस को लेकर, इस कंपनी को लेकर। टिकट साइज बेहद छोटा है और छोटी कंपनी है, जब भी मूव आता है काफी स्विफ्ट देखने को मिलता है। आज अगर आप मूव सस्टेन किया तो मुझे लगता है 84 रुपए तक की जो चाल है वो आसानी से देखने को मिल सकती है। 76.5 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सभी स्टॉक्स 20 के 20 आपको बता दिए गए हैं, खरीदारी के ट्रेड्स ही हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं कौन से ट्रेड्स आपको बताए गए थे। मैंने जो शुरुआत करी थी ज्वेलरी स्पेस के साथ करी थी, सरकार ने बड़ी राहत दी है KYC नॉर्म्स में। तारा ज्वेल्स में आज के लिए 29.30 का टारगेट प्राइस होगा। TBG में खरीदारी करें 127 रुपए के जोन देखने को मिल सकते हैं। GP एसोसिएट्स की कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिली है, आज 20.80 रुपए तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। शिल्पा मेडिकेयर फ्राइडे को मूव स्ट्रॉन्ग था, आज EIR मिला है इनकी तेलंगाना इकाई को, क्लीन चिट मिली है। टारगेट होगा 640 रुपए का, 620 का स्टॉप लॉस रखें। बतौर EPS मैंने HCL इनको को शामिल किया है। त्योहारी सीजन में जो मांग है वो बेहद मजबूत है, और एप्पल के साथ जो कारोबार हुआ है इनका जो करार हुआ है उससे टर्न अराउंड हो सकता है। 55.50 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। शॉपर स्टॉप लगातार जो घाटे वाले कारोबार है उनको बेचने के ऊपर इस कंपनी का फोकस है, और फिर से एयरपोर्ट कारोबार को भी इन्होंने बेचा जो ड्यूटी फ्री कारोबार था। 529 रुपए का टारगेट प्राइस, 509 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। सोबा के Q2 के प्री सेल्स के नंबर्स 10 क्वार्टर के हाई पर आए हैं, आज तेजी देखने को मिल सकती है। जो टारगेट प्राइस होगा वो 410 का होगा, 385 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। रेस्टोरेंट स्पेस की कंपनियों के लिए भी रब सरकार की ओर से राहत आ सकती है, GST दर घट सकती है, इसी उम्मीद में खरीदारी करें तो 118 का टारगेट प्राइस, 112 का स्टॉप लॉस रखें। शक्ति पंप्स के लिए भी जो ड्यूटी है 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, 500 रुपए का टारगेट प्राइस, 482 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और बतौर सुपरहिट शेयर मैंने कुपरान को शामिल किया है, आज तेजी बढ़ी तो 84 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 76.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो मुद्दा यही है कि जो आज थीम होगी मार्केट की उसमें कुछ खरीदारी के सौदे उन सेक्टर्स पे देखने को मिलेंगे जहां पर GST रिलीफ मिला है, जैसे कि यान बनाने वाली कंपनियां या फिर स्टेशनरी आइटम से जुड़ी कंपनियां, या फिर जैसे कहा ज्वेलरी स्पेस जहां पर PMLA के दायरे से उसको बाहर रखा गया। तो ये कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे जहां पर यानी पेरिफेरल्स चलेंगे और मेन सेक्टर इंडेक्स हैवी वेट्स यहां पर तेजी नहीं बनेगी। मैंने शुरुआत में जैसे कहा एज ए निफ्टी कमजोरी की इंडिकेशन दे रहा है, FIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हो सकता है आपको जो मेजर इंडाइसिस हैं सेंसेक्स निफ्टी के लेवल पे आपको जो नेगेटिव साइड्स पे कारोबार है वो आते हुए देखें, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर जैसे मैंने कहा ज्वेलरी पंप्स यान बनाने वाली कंपनीज, और उसके साथ साथ जहां पे राहत आ सकती है उसमें रेस्टोरेंट स्पेस की जो कंपनीज हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, उनमें आज अच्छा खासा मूव देखना। अच्छा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऑयल एंड गैस स्पेस में जो ऑयल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पर भी, इनफैक्ट जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है वो, और दूसरा जो उपकरण कारोबार में वहां पर भी हो सकता है कि आज हलचल देखने को मिले। मेरे पोर्टफोलियो में जो पहला शेयर मैंने शामिल किया वो है गीतांजलि जेम्स, आज ज्वेलरी स्टॉक्स का दिन हो सकता है, 75 का टारगेट है, 69 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। TGB बैंकेट्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो 60 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज आज 14 रुपए का टारगेट रहेगा, 12.75 का एक स्टॉप लॉस। ग्रीव्स कॉटन आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है, आज के सत्र में 138 से 140 का टारगेट रहेगा, 132 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर्स को GST के मोर्चे पर एक राहत मिली है, वो पॉजिटिव खबर है ग्रीव्स कॉटन जैसी कंपनियों के लिए। टाइटन आज के दिन का लक्ष्य है 630, स्टॉप लॉस 590 का फॉलो करके चल सकते हैं। इसके अलावा युकाल फ्यूल, जैसे मैंने कहा कि डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर्स और साथ साथ डीजल पार्ट से जुड़ी जो कंपनियां होंगी वहां पर आज अच्छी कमाई हो सकती है। युकाल फ्यूल आज का टारगेट 211 का लेकर चल सकते हैं, 201 का स्टॉप लॉस। KSB पंप्स आज इस पे आप अप्रोच पॉजिटिव साइड पे रखें। TN पेट्रो और कोकुयू केमिल इन दोनों ही पोर्टफोलियो में तेजी की साइड के सौदे बनाए आप। TN पेट्रो पे लक्ष्य 78, स्टॉप लॉस 71, और कोकुयू केमिल इन स्टेशनरी आइटम्स पे जो GST दर घटी है उसको एक बूस्टर डोज इस सेक्टर को मिल सकता है, आज के लिए 98 का टारगेट, 89 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपरहिट शेयर सांघी इंडस्ट्रीज आज का टारगेट है 122, स्टॉप लॉस 114 का लगाना होगा। चलिए, तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स, उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई कराएं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद होगा शेयर बाजार लाइव, आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार। नमस्कार।